डकैतों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 10 डकैत गिरफ्तार। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टारजन और आप देख रहे हैं पुपली न्यूज। पुपली न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में लगातार हो रही डकैती की घटना में शामिल लगभग 10 डकैतों को सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले में लगभग बीते 2 महीने में आधे दर्जन घरों में इन डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस कार्य में जिले के सदर SDPO रामकृष्णन, सदर SDPO 2 आशीष आनंद, SDPO पुपरी अतनु दत्ता सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया था। इस मामले में SP सीतामढ़ी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा बांध के पास आम के बागीचे में कुछ अपराधी मौजूद हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। तत्पश्चात एक SIT टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में इन सभी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार डकैतों में मोहम्मद निजाम, रविशंकर राउत, ज्ञानेंद्र कुमार, अमित कुमार, शंभू कुमार शाह, विजय किशोर राम, शिव प्रकाश, शमसुद्दीन नदाफ, विवेक शाह, दीपक कुमार यादव शामिल है। आप देख रहे हैं पुपली न्यूज। पुपली न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपली न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पुपली न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर। विगत 1 महीने में लगातार डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें करीब 8 घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी और ये लोग लगातार डकैती घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में भी इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। डकैती की लगातार घटना को देखते हुए SIT का गठन की गई थी। SDPO सदर 2 आशीष आनंद जी के, रामकृष्णा जी सदर SDPO और पुपरी SDPO के नेतृत्व में DIU की टीम थी और SHO थे बाजपट्टी, बदनाहा, सुसंड, सहियारा, नगर थाना अध्यक्ष विनय, सबके नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई थी। स्पेशल टीम लगातार कांड के अध्ययन के लिए प्रयासरत थी। इसी अध्ययन के क्रम में टीम को सफलता मिली, जिसमें 10 कुख्यात डकैत गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। ये इसमें कुछ लोग तो पूर्व में भी डकैती में शामिल रहे हैं, कुछ पूरी जेल से छूटे हैं, अभी कुछ एक लोग बाहर हैं जो कि फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रति घटना में लगभग 15 लोग रहते थे, जिसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य के लिए की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कांड का पूरी तरह से उद्भेदन हो चुका है। इस क्रम में पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें 5 अग्न्यास्त्र अवैध, 9 राउंड गोली है, कुछ लूट की रकम है, जेवरात हैं, इसके अतिरिक्त चरस एवं स्मैक भी इनके पास से बरामद किया है। कल रात भी ये लोग एक डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए बाजपट्टी क्षेत्र में एकत्रित थे, तो रात में 1 बजे के आसपास जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस बल एंड स्पेशल जो SIT की टीम थी उनके द्वारा बगीचे में छापेमारी करके इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से डकैती में प्रयुक्त होने वाले खादी वगैरह भी सब कुछ रिकवर किया गया। वहाँ से ये लोग का सिगरेट वगैरह का खैनी वगैरह का भी पुड़िया था। ग्राहक मित्रों, अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए होंडा के अपने शोरूम सोनार होंडा में और ले जाइए अपने घर होंडा की कोई भी मनपसंद बाइक और स्कूटर आसान फाइनेंस सुविधा के साथ न्यूनतम डाउन पेमेंट पर। जी हाँ, सोनार होंडा अपने क्षेत्र पुपड़ी का पुराना बाइक शोरूम, पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। ग्राहक मित्रों, आप हमारा पता नोट करें, सोनार होंडा अथोराइज डीलर नियर अलाहाबाद बैंक पुपड़ी। इतिहास में अभय किसान